प्रसिद्ध समाज सेवी व कांग्रेसी नेता राजबीर जागलान कांग्रेस से छोड़ भाजपा में अपनी आस्था जताई है। जागलान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर पार्टी का पटका पहन लिया है। जागलान का कहना है कि देश के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी नीतियों को देखते हुए वो भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं मोदी जी की नीतियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ जी। हमारे कंट्री में, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री का नाम किया है, इकोनॉमी में भी नाम किया। हम आज 5वीं पोजीशन में वर्ल्ड में, और हर जगह भी जहाँ मोदी जी जाते हैं मोदी 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 रहता है हर जगह ही। मतलब मोदी जी का कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, उनको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। 25 साल आप कांग्रेस में रहे हैं, पावर नेता रहे हैं, पार्टी के पद भी आप पे बड़े बड़े रहे हैं। हाँ जी, मेरे पास काफी पद रहे हैं। तो ऐसा क्या वजह रही जो मोदी जी के आप इतने? सर, कांग्रेस में अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है जी। तो मैंने उसको देखते, अपने देश हित को देखते, अपने देशभक्ति को देखते, मैं देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को पद भी नहीं चाहिए कोई अपनी नई पार्टी में। आपने कोई शर्त रखी है कल आप मुख्यमंत्री जी से मिले हैं? हाँ जी, सैनी साहब से मिला हूँ। रखी है कोई? नहीं सर, रखी है? नहीं साहब, नहीं। क्योंकि आजकल जो बड़ा नेता कोई पार्टी शामिल करता है, नहीं शर्त, मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरे को कोई शर्त नहीं। जो मेरी पार्टी मेरे को आदेश करेगी, मैं तो एक काम कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। जितने सभी कैंडिडेट के थे सब उससे डबल मेरे थे अकेले के। मेरे को तो पार्टी जो भी बोलेगी जी मैं वही करूँगा, पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी मैं वही काम करूँगा। मेरे को कोई टिकट की इच्छा नहीं है, मैं तो जो मेरे को पार्टी जिम्मेवारी देगी वो निभाऊंगा बस। जागलान का कहना है कि उन्होंने बिना किसी शर्त के पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी जहाँ उनकी ड्यूटी लगाएगी वो वहाँ पर काम करेंगे। मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है जी। मोदी तो जन जन प्रिय आदमी है जी जी। वो तो ये बोलते हैं हर घर का मैं मेंबर हूँ, 140 करोड़ आदमियों के फैमिली मेंबर है वो, तो उनके बारे में वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कोई भी आदमी। मोदी साहब का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। मैं तो ये प्रार्थना करूँगा भगवान उनकी सैकड़ों साल और उम्र दे, और हमारे और प्रधानमंत्री बने रहे 20-30 साल, इन मोदी जी का हो गया, शाह जी का हो गया, इनने मगर देश को बहुत तरक्की की है, हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है सब। आज भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। पहले पाकिस्तान रोज धमकी देता था, आज बोल भी नहीं सकते सब। मेरे को तो पार्टी ये बोलेगी झाड़ू लगाओ आप मेरे ऑफिस में, बीजेपी ऑफिस में, मैं तो वो भी काम कर लूँगा, मेरे कोई शर्म नहीं है। कर्मयोगी आदमी हूँ मैं तो बहुत छोटे से गाँव के परिवार से जुड़ा आदमी हूँ, भगवान ने यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं तो बस देश सेवा करना चाहता हूँ, पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ। गौरतलब है कि जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं तभी से भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।